हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई रेसिपी। देखिए, इसके लिए मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया है कुकर में। इधर लिया मैंने कढ़ाई, फिर मैं इसमें डालती हूँ तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालती हूँ जीरा। जीरा अच्छे से जब तड़क जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ प्याज, मिर्ची, लहसुन और करी पत्ता। अब सभी को चम्मच चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें अब मैं चम्मच चलाकर इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। दाल फ्राई बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी भी नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही खा लेंगे बिना सब्जी के। सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और कम समय में बन जाता है। फिर मैं इसमें डालते रही हूँ हींग पाउडर। अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से चम्मच चलाते हुए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इस तरीके से चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी, जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो टमाटर, देखिए प्याज मिर्ची सभी अच्छे से फ्राई हो गया है। टमाटर को ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छे से मिक्स करके इसको पका लूँगी मैं। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब ये हल्का इस तरीके से पकने लग जाएगा तो स्वाद अनुसार नमक मैंने दाल में ऐड कर दी है तो इसमें नहीं ऐड करते रही हूँ। अब अगर दाल में कम डालना है तो भले ऐड करते हैं, मैंने सब्जी और दोनों के हिसाब से नमक दाल में डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाला बस इस्तेमाल करूँगी। देखिए अच्छे से पक गया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से भूंजेंगे थोड़ा देर और इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसमें बीच में चम्मच चलाते हुए अच्छे से भूंज लेंगे। जब ये अच्छे से भुंजा जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगी दाल को। देखिए दाल को कुकर में 5 सीटी देकर के पका ली है मैंने। अच्छे से पक गया है तो मैं इसमें ऐड करते रही हूँ दाल को। अब सभी को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से और थोड़ा देर और पकने देंगे। इस तरीके से दाल में हल्का सा उबाल आ जाएगा, तब तक पकने देंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए इस तरीके से धनिया पत्ती ऐड कर दी है।
अब चम्मच की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छे से और कम समय में दाल फ्राई बन करके रेडी हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से दाल फ्राई बना सकते हैं, कम समय में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं सभी। थैंक यू।